गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई एम अ बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड टिल नाउ आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल विद माय हैंड रिटन नोट्स एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्यू टॉपिक्स व्हिच आई फील आर नेसेसरी। सो फ्रॉम टुडे आई एम शेयरिंग यू ऑल विद माय वॉइस ओवर सीरीज एंड इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू व्लॉग सो दैट यू कैन नो मोर अबाउट मी। यू ऑल कैन टेल मी व्हिच लैंग्वेज इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल, इंग्लिश और हिंदी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक। So today I have taken a very easy and very important topic, that is human skeleton. You must all be knowing about the human skeleton. The human skeleton is the internal framework of the body. It is composed of around 270 bones at birth. जब हम पैदा होते हैं बर्थ के टाइम पे हमारी बॉडी में 270 बोन्स होती हैं, बट आफ्टरवर्ड्स द टोटल डिक्रीजेस टू अराउंड 206 बोन्स इन एडल्टहुड। बड़े होते जाते हैं तो हमारी बॉडीज में बोन्स जो है वो आपस में जुड़ते जाती हैं, तो बोन्स कम होते जाती हैं। सो आफ्टरवर्ड्स आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन्स विद 206 बोन्स। नाउ एज यू ऑल नो दैट वी हैव टू टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम, axial skeleton system and appendicular skeleton system. As you all know that human skeleton consists of two set of bones or two types of bone, that is axial skeleton and appendicular skeleton. So jaisa ki maine bataya ki hamari body mein total bones kitni hoti hain, 206 bones. So 206 bones mein se ye divided hota hai, 80 hota hai axial skeleton system mein, 80 bones hoti hai axial skeleton mein and 126 bones hoti hain अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इन दोनों को मिला के 206 बोन का सेट कंप्लीट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये बहुत इजी है दैट एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। नाउ यू मस्ट ऑल बी थिंकिंग दैट इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया है इन एक्सियल एंड इन अपेंडिकुलर सिस्टम। सो जो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल मतलब क्या होता है, जो एक्सियल स्केलेटन में जितनी भी बोन्स आती है वो हमारी बॉडी के, सपोज इस बॉडी, तो हमारी बॉडी के मेन सेंट्रल एक्सिस पे जो बोन्स होगी हेड टू टो वो आएंगी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। जो हमारी बॉडी होती है उसकी जो मेन सेंट्रल एक्सिस पे हेड टू टो जो बोन्स आती है उनको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। एंड जो 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये आती है जो हमारी बॉडी होती है उसके अवे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, अवे जो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से अवे होती है, अलग होती है, बाहर की तरफ जो बोन होती है वो कंसिस्ट करती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है 80 बोन्स। 80 हमारी बॉडी में जो सेंट्रल एक्सिस पे जो बोन होती है वो होती है एक्सियल स्केलेटन। तो वो 80 बोन्स कहां कहां डिवाइड है, 29 बोन्स स्कल की, 26 बोन्स वर्टिब्रा की, 1 बोन स्टर्नम एंड 12 पेयर्स रिब्स। ये सब आती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। 29 प्लस 26 प्लस 1 प्लस 12, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स है, 12 बोन्स नहीं है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द रिब्स कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स, नॉट 12 बोन्स, इट इज 24 बोन्स और 24 बोन्स और 12 पेयर्स। सो स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है, जो स्कल हमारा स्कल होता है उसके अंदर 29 बोन्स होती है। नाउ फर्दर दीज 29 बोन्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू फोर टाइप्स, क्रेनियम, फेस, ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड। क्रेनियम के अंदर आती है 8 बोन्स, फेस में आती है 14 बोन्स, ईयर ऑसिकल्स 6 बोन्स एंड हायोइड 1 बोन्स। सो क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है, नाउ आई विल बी टेलिंग यू द बोन्स विच फ्रेम द क्रेनियम बोन्स। सो सी, फ्रंटल, फ्रंटल, स्पिनॉइड, एथमॉइड, पैलाइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। फ्रंटल एक होती है, स्पिनॉइड एक होती है, इथमॉइड एक होती है, पैलाइटल दो होती है, टेम्पोरल दो होती है, ऑसिपिटल एक होती है। तो ये टोटल मिला के बनती है 8 बोन्स। बस आपको ये याद रखना है कि जो पैलाइटल है, पीटी करके आगे आ सकते हैं, पी एंड टी, ये बोन्स दो दो होती है, ये बोन्स पैर में होती है और बाकी सारी बोन एक एक होती है। फ्रंटल, स्पिनॉइड, इथमॉइड, पैलाइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये बोन्स हमारे पूरे स्कल को कवर करती है। तो ये टोटल बोन्स 8 होती है, दो पैलाइटल, दो टेम्पोरल होती है, बाकी बोन्स एक होती है। फिर नेक्स्ट आता है स्कल बोन के अंदर, पहला क्रेनियम था, दूसरा है फेस। फेसियल बोन कौन कौन सी होती है, नाउ फेशियल बोन कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स। 14 बोन्स कौन कौन सी होती है, यहाँ देखिए कि नेजल 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा 2 होती है, मैक्सिलरी 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है, पैलेटाइन 2 होती है, जाइगोमेटिक 2 होती है, वॉर्मर 1 होती है। जैसे इसमें सिर्फ दो बोन, दो तो थी, इसमें सिर्फ दो बोन एक एक होंगी, मैंडिबल एंड वॉर्मर, एम बी से आप कह सकते हैं, एम बी, इसमें पीटी, इसमें एम। सो टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द क्रेनियम बोन्स एंड द फेशियल बोन्स, 8 क्रेनियम बोन एंड 14 फेशियल बोन। क्रेनियम बोन में एक्सेप्शन था पैलेटल और टेम्पोरल जो कि दो दो होती है, और फेशियल बोन में एक्सेप्शन है मैंडिबल एंड वॉर्मर जो कि एक एक होती है। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे थर्ड बोन, थर्ड टाइप्स ऑफ बोन्स, ईयर ऑसिकल्स, जो कि स्कल बोन के अंदर ही आता है। ईयर ऑसिकल्स 6 होती है। सो एज यू ऑल नो, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट ईयर ऑसिकल्स वी हैव 3 बोन्स इन ईच ईयर, दैट मेक्स टोटल ऑफ 6 बोन, 3 इन ईच ईयर। सो 3 बोन्स, व्हाट आर दोस 3 बोन्स, दैट आर मेलस, इनकस एंड स्टेपीज और स्टेप्स, व्हाटएवर यू कॉल इट। 2 2 2 means 1 in each ear, 1 in each ear, that means 2 meles, 2 incus and 2 stapes or 2 stapes. So the mnemonic to learn or to remember is MIS, miss, meles, incus and stapes or stapes, whatever you call it. So the next is hyoid bone, which is only 1 bone, that is behind our chin. So 8 bones we have studied, 8 cranium bones, 14 facial bones, 3 ear ossicle, 3 in each ear, that comprise of 6 bones in total, and 1 hyoid bone, that is behind the chin, I have told you. Now next comes is the vertebra. Vertebra, as you all know, that what is vertebra? Vertebra is a group of bones, or you can say that it supports our spinal cord. It is present in our dorsal part of the body. What is dorsal part? That is our back portion of the body. So
It is also divided into many types of bones like cervical, thoracic, lumbar, sarcal, coccoax. So cervical is 7, thoracic 12, lumbar 5, sarcal 1, that is made up of from 5 fused bone, coccoax 1, that is made from 9 fused bone. So vertebra jo hamari vertebra hoti hai, ye hamari spinal cord jo hoti hai usko support karti hai, ye alag alag types ki bone se bani hoti hai. Alag alag types ki bone basically jo puri 26 bones ka set hota hai, isme jo first 7 bones hoti hai unko hum bolte hai cervical, then comes is the thoracic, then lumbar, then sarcal, that is one bone, and that one bone jo wo ek bone hai wo 5 bone ke fusion se bani hai. Jab 5 bone wahan pe fuse hoti hai to wo ek bone banati hai, and jo coccoax hota hai last mein ye bhi ek hota hai, ye 9 bone jab fuse ho jati hai to tab banta hai coccoax. To hamari vertebra bhi complete ho chuki hai. Now next comes is the sternum, which as you all know that sternum is only one bone that is present in between our ribs, so it is one bone. So now next comes is the ribs. Ribs or rib cage, जिसको हम rib cage भी बोलते हैं. So what are ribs? Ribs are a set of bones that are designed in our body to protect our lungs. So ये 12 pairs होते हैं, 12 pairs, और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 24 bones होती हैं. So as you all know that कुछ इस तरीके से हमारा rib cage form होता है. यहाँ पे sternum होती है, and same from this side. कुछ इस तरीके का हमारा रिब केज होता है. तो इसमें जो रिब केज होता है उसमें फर्स्ट 7 पेयर्स, जो पहले के 7 पेयर्स होते हैं, जो पहले के 7 पेयर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ट्रू रिब्स. जो उसके बाद 8 से लेकर 10th तक पेयर होता है, 8th पेयर, 9th पेयर एंड 10th पेयर, उसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स. और फिर उसके बाद जो 11th और 12th पेयर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. सो मैंने आपको बता दिया है रिब्स के बारे में भी. सो वी आर कंप्लीटेड विद द रिब्स आल्सो. सो हमने अब तक पढ़ा एक्सियल स्केलेटन के अंदर 29 bones skull की, 26 bones vertebra की, 1 bone sternum की, and 24 bones that is 12 pairs ribs की. अब हम पढ़ेंगे appendicular skeleton system. So as you all have told you before also that the bones which are away from the central axis of the body comes in appendicular skeleton or 126 bones. So appendicular skeleton consists of 126 bones, and from that 126 bones 6 bones are formed. 6 bones are those bones which form the girdles of our body. Okay, girdles. And 124 bones are those bones which forms the limbs of our body. So first we will study about these girdles. What are girdles? Girdles kya hai? It is a set of bones in the appendicular skeleton system which connects to the arm of each side. So girdles aisi position pe form hote hain hamari body mein, aisi position pe girdles present hote hain jo hamari arm ko body se connect karte hain. Arms mein fold limbs ko body se connect kar sakte hain. You must say that arms hi nahi aayega kyunki hamare paas do type ke girdles hote hain, pectoral girdle and pelvic girdle. So girdle two type ke hote hain, pectoral and pelvic. Pectoral ko bolte hain shoulder girdle, pelvic ko bhi bolte hain hip girdle. So pectoral is also known as shoulder girdle. एंड पेल्विक इज नोन एज हिप गर्डल. हिप गर्डल बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारी दोनों हाथों को, दोनों पैरों को हमारी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं गर्डल्स. सो जो पेक्टोरल गर्डल है इसको हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं. शोल्डर गर्डल बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारी जो आर्म्स है इस वाली रीजन पे प्रेजेंट होगा. सो पेक्टोरल गर्डल के अंदर टू टाइप की बोन आती है, दैट इज दैट आई विल टेल यू, दैट इज स्केप्यूला एंड क्लेविकल. टू टाइप की बोन आती है पेक्टोरल गर्डल के अंदर, स्केप्यूला एंड क्लेविकल. ये हमारे शोल्डर रीजन में प्रेजेंट होती है. क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं. ये एक एस शेप बोन होती है, इसका जो शेप होता है वो एस शेप होता है. सो गर्डल्स टू टाइप के होते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल को शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं. इसके अंदर टू बोन्स आती हैं, दैट इज स्केप्यूला एंड क्लेविकल. सो नेक्स्ट हम आते हैं पेल्विक गर्डल में. पेल्विक गर्डल को हिप गर्डल भी बोलते हैं. तो यहाँ पे राम गर्डल इज हिप गर्डल. सो इट इज फॉर्म फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ बोन, दैट इज नोन एज पेल्विक गर्डल. जो बना होता है ये टू टाइप के बोन से बना होता है, टू टाइप के गर्डल से बना होता है, मस्से सैक्रम एंड कोपेक्स. तो ये टू होते हैं. तो जो पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर गर्डल था, तो हमारे कितने शोल्डर होते हैं, टू शोल्डर होते हैं. तो मैंने जो आपको बताया था कि इसमें जो टू टाइप की बोन होती है स्कैपुला एंड क्लेविकल, वो टू होती है ईच बोन में. तो इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी, फोर. और यहाँ कितने पेल्विक गर्डल और हिप गर्डल कितने होते हैं, टू. सो टोटल फोर और टू मिला कितने बनेंगे, सिक्स. सो नेक्स्ट टर्म इज द लिम्स. व्हाट आर लिम्स? लिम्स क्या होते हैं? लिम्स आर यू मस्ट से दैट लिम्स आर आवर हैंड्स, आवर फीट, दैट कंप्राइज ऑफ लिम्स. सो लिम्स आर ऑफ टू टाइप, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स. लिम्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्स का अलग नाम क्या होता है, लिम्स का दूसरा नाम क्या होता है? लिम्स को हम एक्सट्रीमिटीज भी बोलते हैं. जो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं और जो हमारी लिम्स होती हैं ये हमें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. इसके यूज़ होते हैं सच एज वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, इन सब में हमारी हेल्प करती है हमारे लिम्स. लिम्स मतलब हमारे हाथ और पैर. सो जो लिम्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, दैट इज लिम्स जो दो टाइप के होते हैं, दैट इज फोरलिम एंड हाइंडलिम. फोरलिम एंड हाइंडलिम. सो फोरलिम क्या होता है? फोरलिम मींस हमारे जो हाथ होते हैं उसे हम फोरलिम बोलते हैं, और हाइंडलिम जो हमारे पैर होते हैं उसे हम हाइंडलिम बोलते हैं. सो जो फोरलिम और हाइंडलिम का हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है. जो फोरलिम होती है वो 60 बोन्स होती है टोटल, 13 ईच लिम. जो हमारा एक लिम होगा, एक हमारा हाथ होगा, उसमें 30 बोन्स होंगी. तो दूसरे हाथ में हमारी कितनी बोन्स होंगी, 30 बोन्स. तो टोटल मिलकर कितनी बचेंगी, 60 बोन्स. सो पहले हम हाथों की बोन्स पढ़ेंगे, मींस हम फोर लिम्स पढ़ेंगे. सो इसमें आती है ह्यूमरस टू. ये मैंने टू इसलिए लिखा है, मैंने दोनों हैंड्स की टोटल करके लिखा है. जो टू है इसका मतलब एक होगा एक हाथ में. रेडियस टू, अल्ना टू, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10 एंड फेरिंजेस 28. सो इन सबको कैलकुलेट करके 28 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कम्स इज 60 बोन्स. ह्यूमरस दो होती हैं, रेडियस दो होती हैं, अल्ना दो होती हैं, कार्पल 16 होती हैं, मेटाकार्पल 10 होती हैं एंड फेरिंजेस 28 होती हैं हमारे हैंड्स में. इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पूरे शोल्डर से लेकर पूरे फिंगर्स तक होता है. तो इसको बोलते हैं फोर लिम्स.
सो नाउ नेक्स्ट कम्स इज द हाइंड लिम्ब. हाइंड लिम्ब्स और हमारे पैरों की जो बोन्स होती है उसको बोलते हैं हाइंड लिम्ब्स. सो हाइंड लिम्ब्स ऑल्सो होती है 60 बोन्स, 30 इन ईच लिम्ब. सो इसमें फीमर आती है. एज यू ऑल नो फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ अ बॉडी. फीमर 2, टीबिया 2, फिब्यूला 2, पटेला जिसको हम हिंदी में घुटना बोलते हैं, पटेला बोलते हैं उसे. पटेला और पैटेला, व्हाटएवर यू कॉल इट, इट इज 2 बोन्स. टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10, एंड देन अगेन फेलेंजेस 28. फेलेंजेस हाथ में भी 28 होते हैं एंड पैर में भी 28 होते हैं. सो फीमर 2, टीबिया 2, फिब्यूला 2, पटेला 2, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10, एंड फेलेंजेस 28. इन सबको मिला के बनता है 60. तो 60 प्लस 60 कितना हो जाता है 120. सो ये था हमारा लिम्स का डिस्ट्रीब्यूशन. सो आज हमने पढ़ा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. सो स्केलेटन सिस्टम ये एक बोन्स का सेट होता है. स्केलेटन सिस्टम टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है जिसमें से 29 स्कल में होती है. स्कल के अंदर क्रेनियम, फेशियल, ईरोस्पिनल एंड हाइवाइड बोन आता है. क्रेनियम में मैंने बताया था 8 बोन्स होती है, फ्रंटल, स्पिनोइड, इथमोइड, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, जिसमें से पीटी सिर्फ पैराइटल टेम्पोरल दो होती है, बाकी सारी बोन एक एक होती है. देन कम्स द फेशियल बोन्स दैट कंसिस्ट ऑफ नेजल लैक्रिमल, इंफीरियर नेजल खोंचा, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, जायगोमैटिक, वॉर्मर. सो इसमें से एमवी मैंने बताया था, एमवी, मैंडिबल एंड वॉर्मर एक एक होती है, बाकी सारी बोन्स दो दो होती है. नेक्स्ट कम्स इज द ईरोस्पिनल, दैट इज 6 बोन, 3 इन ईच ईयर. What are those that are malus, incus and stapes. Next is the hyoid bone, which is only one bone. So next is the vertebra, which consists of 26 bones, cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1, coccyx 1, sternum 1 bone, ribs 12 pairs. First 7 pairs are known as true ribs. Now next 8th, 9th and 10th pair are known as false ribs, and 11th and 12th pair are known as floating ribs. So we are done with the axial skeleton. Now comes the appendical skeleton. It is divided into two parts. First part is girdle and second part is limbs. So girdle, it is made up of two girdles, pectoral girdle and pelvic girdle. Girdles basically are bones, or you can say that connects the central portion of a body from the outer portion of a body. So girdles are made up of two parts, pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle is also known as shoulder girdle, and pelvic girdle is also known as hip girdle. So pectoral girdle consists of scapula and clavicle. Clavicle also known as collarbone. Next comes is the pelvic girdle, which is also known as hip girdle. It is made up of from sacrum and coccyx. So next comes is the limbs. Limbs means, limbs is divided into forelimbs and hind limbs. So forelimbs 60 bones, 13 each limb. Each limb means each forelimb. And 60 bones in hind limbs, 13 each limbs. So first we will study about the forelimbs. Humerus 2, radius 2, ulna 2, carpal 16, metacarpal 10, and phalanges 20. That made 60 bone, 13 each hand. 13 each hand means 13 one hand, right hand, 13 left hand. That made 60 bones. Now comes is the hind limbs. Hind limbs means hamara foot, hamara jo pair hota hai usko bolte hain hind limb. So femur 2, tibia 2, fibula 2, patella 2, tarsals 40, metatarsals 10, and phalanges 28. Phalanges dono mein 28 hota hai, hind limb mein bhi 28 hota hai, and then फोल में भी 20 होता है. सो 30 दोनों पैर में होता है, 30 राइट पैर में, 30 लेफ्ट पैर में, टोटल में 60 बोन बनता है. तो 60 बोन्स हमारे लिम्स में कंप्लीट होती है, एंड 6 गर्डल्स हमारे गर्डल्स कंप्लीट करते हैं दोनों पेक्टोरल एंड पेल्विक. दैट फॉर्म 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन. एंड 80 बोन से 29, 26, 1 एंड 12 पैर से मिलकर बनता है 80. सो 80 प्लस 126 जो बनाता है 206 बोन्स. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू.